अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नए व्लॉग के साथ सबको खुश आमदीद। जी आज हम जो है वो सीज़न की मुनासबत से अपने पैरट्स के लिए एक सॉफ्ट फूड लाए हैं, पालक, जो कि नवंबर के सीज़न में, इस सर्दी के सीज़न में ये गर्मी देता है परिंदों को और उनकी डिफरेंट जो है वाइटामिन्स वगैरह को पूरा करता है और ये बहुत इनरिच होता है डिफरेंट किस्म के फाइबर से। तो अभी हम इसको अपने पैरेट्स को डालते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये किस तरह इसको खाते हैं। तो ये देखिए, हमारे पैरेट्स वेट कर रहे हैं कि हम इनको जो है वो अभी ये सॉफ्ट फूड जो है वो दें। तो बस अब हम इनको काट के डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये खाते हैं और इसके फ़ायदे साथ साथ हम आपको पूरे वीलॉग में बताते रहेंगे। तो आप हमारा वीलॉग देखते रहें। देखिए ये कितना ज़बरदस्त किस्म का पैरेट है और मैं अब आपको बाकी की तफसीलात इनकी जो है इनको पालक डालने के बाद बताता हूँ। देखिए हमने ये अलग अलग हर किसी के ईटिंग पॉट में जो है वो ये स्पाइनिच रख दिया और अब हम डालते हैं और देखते हैं किस तरह खाते हैं। तो अगर मैं आपको पालक के बारे में बताऊं तो पालक सर्दियों के सीज़न में, क्योंकि सर्दी कुछ ज़्यादा हो जाती है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो तोतों को और बाकी परिंदों को भी एक गर्म ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसकी तासीर थोड़ी गर्म हो, तो पालक उनमें से एक है। पालक खिलाते वक्त ये ख्याल रखें कि पालक जो है वो हफ्ते में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन खिलाएं, अदरवाइज़ इनको मोशन लग जाएंगे। देखिए परिंदे कितने शौक से ये पालक खा रहे हैं और तकरीबन हर पेयर ही नीचे उतर आया है इस पालक को एंजॉय करने के लिए। पालक का जिस तरह मैंने ये बताया आपको कि सर्दियों में ये एक गर्म ग़िज़ा है, तासीर इसकी गर्म होती है, तो एक गर्मी की फील इनमें रहती है। इसके अलावा पालक जो है वो एक ताकतवर गज़ाई अज्जा से भरपूर एलिमेंट है। इसमें फोलेट होता है, विटामिन ए होता है और आयरन का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है ये। दीगर पत्ते वाली सब्जियों की तरह पालक भी फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम मुहैया करता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस ब्रीडिंग सीज़न में इनकी गज़ाई अज्जा को पूरा करती हैं और एक अच्छी ब्रीड आपको मिलती है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पालक जो है वो फालतू चर्बी भी ख़त्म करती है और इनके निज़ामे हज़म को साफ़ करती है, इनमें मोशंस को भी ख़त्म करती है, इनके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और इनमें जिस तरह मैंने आपको बताया आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो देखिए ये पेयर कितने मज़े ले ले के ये चीज़ें खा रहे हैं। इसके अलावा ये इनमें कोई आँखों की बीमारी भी नहीं होने देती और इसमें विटामिन B1, B6 और फोलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसके अलावा इनका इम्यून सिस्टम भी ये स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताए पालक के फ़वाद। तो सर्दियों में पालक के साथ साथ हम इनको और भी बहुत सी सॉफ्ट फूड्स खिलाते हैं, जिसमें मेरी पहले वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें मैंने आपको कॉर्न का इस्तेमाल बताया है छली का, और इसके अलावा मैंने आपको मेथी का इस्तेमाल भी बताया है। तो ये चीज़ें आप डाइट में ज़रूर शामिल करें एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए ब्रीडिंग के, और रिज़ल्ट के साथ साथ इनकी सेहत के लिए भी। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और पूरी वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।